बच्चों के गले में तीन मुखी रुद्राक्ष जरूर डालिए, जो कि विद्या का प्रतीक है। हमने बहुत बच्चों के गले में तीन मुखी रुद्राक्ष, मैंने भी पहना, एक बात को एक बार पढ़ी बस वही कंठ हो गई, सबके गले में ये रुद्राक्ष डालिए। दीक्षा में हम अपने भक्तों को रुद्राक्ष देते हैं, पांच मुखी रुद्राक्ष। पांच मुखी रुद्राक्ष का प्रभाव है, सुन लीजिए, पांच मुखी रुद्राक्ष गले में पहनने से चातुर्मास करने का व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है पर डे। तो हो गया, तो शिव महापुराण में वर्णन है कि पांच मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से उस अपराध का प्रायश्चित हो जाता है। ये जो लहसुन और जो प्याज है ये बुरा नहीं है, आयुर्वेद में उसकी बड़ी महिमा है। लहसुन दूध में उबाल करके ले लो, जिंदगी में पैरालिसिस नहीं होगा। क्या बोलेंगे हिंदी में उसको, पैरालिसिस को क्या बोल देंगे, लकवा, लकवा, ये बीमारी नहीं होगी। ये लहसुन का प्रभाव है। कान का पर्दा भी फट गया होगा, सरसों के तेल में उसको भून करके छान करके कान में तेल डाल लेना, वो सरसों का तेल, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयुर्वेद में इतना बड़ा इसका प्रभाव है। बाल सफेद हो रहे हैं तो प्याज का छिलका रात भर पानी में डुबोकर उस पानी से केस धो लो, तो बाल टूट टूट करके नीचे नहीं गिरेंगे। ये प्याज का प्रभाव है, हैजा नहीं होने देगा, दस्त नहीं होने दे। ये आयुर्वेद में तो इसका इतना प्रभाव है, इसको कंटिन्यू कभी भी मत खाइए, क्योंकि इसमें चिड़चिड़ापन है। इसके सेवन करने से आप घरवाली से लड़ेंगे, घरवाले से लड़ेंगे, घर में झगड़े करेंगे, कलह करेंगे। इसलिए हमारे महापुरुषों ने इसको भजनानंदियों के लिए निषेध बता दिया। वैसे बुरा नहीं है, लेकिन परम वैष्णव जनों के लिए यह बिल्कुल ठीक नहीं है। अब कभी खा लिया तो ऐसा नहीं कि आफता आ गई कि आकाश टूट के गिर गया है नीचे, तो उसको नियम से बिल्कुल भी मत खाइए। अब कहीं शादी शुदी में आप चले जाते हैं कभी, और वह आपको कभी ऐसा, तो उसको आप नियम से बिल्कुल कभी भी मत लीजिएगा। और फिर उसके लिए एक आध माला एक्स्ट्रा जप लीजिए, कहिए एक माला इसलिए ज्यादा जप रहे हैं हम क्योंकि अब द्वारा लहसुन प्याज खाने का मन न करे। आप सब अपने अपने गले में तुलसी धारण कीजिए, रुद्राक्ष धारण कीजिए। तुलसी और रुद्राक्ष दोनों एक साथ आप पहन सकते हैं, ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा है। परम वैष्णव बनिए, भगवान के परम भक्त बनिए। अब ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, हम दिख रहे हैं आपको, आपके अभी भी नहीं दिख रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। तो मैं आपको लौटा करके वहीं आ रहा हूँ। वर्णन किया गया, सयाच तो मणिम क्वापी अधुराजाय स्वर्णा, भगवान ने मणि मांगी दी नहीं। जो चीज भगवान के काम नहीं आएगी वो हमारे लिए खतरा बन जाएगी, लिए हमारे और आपके पास जो भी है वो पहले वो भगवान के लिए, भगवत कार्यों के लिए होना चाहिए। रोटी बनती है तो रोटी भी सबसे पहले गैया मैया के लिए होती है, भगवान का भोग लगाने के लिए होती है। और एक बात और सुन लीजिए, जिन घरों में भगवान का भोग नहीं लगाया जाता उसके घर का जल मूत्र की तरह है और उसके घर का अन्न मल की तरह हो जाता है। ऐसा भी हमारे वशिष्ठ संहिता जैसे ग्रंथों में इसके ऊपर बहुत जोर दिया। तो पहले उसको सात्विक आपने भोजन बनाया है उसका भोग लगाइए, वृद्धों को जमाइए, घर में कोई रिश्तेदार आए उनको जमाइए, पहले गौ माता को चंदिया दीजिए, भगवान का भोग लगाइए, तुलसी पत्र डालिए। इन सब चीजों का असर दिमाग के ऊपर होता है क्योंकि अन्न का सीधा असर तो बुद्धि के साथ ही जुड़ा हुआ है। यदि ऐसे जीवन को जिया जावे तो बुद्धि का उत्कर्ष हो जाएगा, प्रोग्रेस हो जाएगी बुद्धि।